दोस्तों फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। Realme C सीरीज का तीन फ़ोन है, Realme C1, C2 एंड C3, जो कम बजट की फ़ोन है। Realme C1 बहुत ही पुराना फ़ोन है, Realme C2 अभी मार्केट में चल रहा है और उसका सक्सेसर Realme C3 हाल ही में लॉन्च होगा 14 फरवरी को। अभी एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, Realme C2 बाई करना है या Realme C3। देखिए Realme C3 3GB 32GB का प्राइस 7000 है और Realme C2 3GB 32GB का प्राइस 7000 है। अभी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है सेम प्राइस में कौन सा फ़ोन आपको ख़रीदना चाहिए, Realme C2 या Realme C3। तो इस वीडियो में आपका भाई इस कन्फ्यूज़न को बिल्कुल क्लियर कर देगा और आपको बताऊंगा कौन सा फ़ोन आपको बाई करना चाहिए, तो इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। हे गाइस, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त स्वरूप। और गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसको नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा फ़ोन आपको बाई करना चाहिए, तो पहले फीचर्स की बात करते हैं। रियलमी C2 में आपको बैक साइड में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाएगा, मतलब दोनों में आपको बैक साइड में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगा। रियलमी C2 में आपको बैक साइड में डायमंड कट डिज़ाइन देखने को मिलेगा और रियलमी C3 में आपको बैक साइड में सनसेट डिज़ाइन देखने को मिलेगा। रियलमी 5i में आपको जैसा डिज़ाइन देखने को मिल रहा था, सेम टू सेम रियलमी C3 में आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिलेगा बैक साइड में, और दोनों फ़ोन आपको डिफरेंट कलर में मिलेगा। मतलब डिज़ाइन के मामले में दोनों फ़ोन बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद करते हैं डिस्प्ले। रियलमी C2 में आपको 6.1 इंच का IPS LCD HD+ डिस्प्ले मिलेगा, जहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा और जो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आएगा। रियलमी C3 में आपको सेम देखने को मिलेगा, पर इसका डिस्प्ले आपको थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, 6.5 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा। रियलमी C3 का डिस्प्ले का साइड का जो चिन्ह होगा आपको रियलमी C2 से ज़्यादा पतला देखने को मिलेगा रियलमी C3 में, और दोनों फ़ोन में आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलेगा पर फेस अनलॉक मिल जाएगा। दोस्तों अभी बात करूँगा कैमरा परफॉर्मेंस, जो बहुत ही मैटर करता है। रियलमी C2 में आपको बैक साइड में जो कैमरा का डिज़ाइन होगा आपको हॉरिजॉन्टली देखने को मिलेगा और रियलमी C3 में आपको वर्टिकली देखने को मिलेगा। रियलमी C2 में आपको बैक साइड में 13+2 का डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जिसका एपर्चर होगा 2.2 और Realme C3 में आपको 12+2 का डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जिसका एपर्चर होगा 1.8। मतलब Realme C3 का कैमरा थोड़ा सा डाउन है Realme C2 से। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, दोनों फ़ोन में आपको फ्रंट में सेम कैमरा देखने को मिल जाएगा, 5 MP का कैमरा देखने को मिलेगा और मतलब फ्रंट कैमरा भी कोई भी अपडेट नहीं है। उसके बाद करते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर में Realme C3 बहुत ही अपडेट है। Realme C2 में आपको MediaTek Helio P22 का चिपसेट मिल जाएगा, जो ऑक्टाकोर 2.0 GHz के साथ आएगा, पर Realme C3 में आपको MediaTek का लेटेस्ट प्रोसेसर जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, MediaTek Helio G70 का चिपसेट मिल जाएगा। G का मतलब है गेमिंग प्रोसेसर, जो ऑक्टाकोर 2.0 GHz के साथ आएगा। मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस आपको Realme C3 में ज़्यादा बेहतर मिलेगा। PUBG एंड Fortnite जैसे हाई क्वालिटी गेम Realme C2 में थोड़ा सा लैक हो रहा था, पर Realme C3 में अपडेट हो गया है, आपको लैक देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फ़ोन में आपको ट्रिपल स्लॉट मिल जाएगा, आप दोनों सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। Realme C2 का बेस वेरियंट है 2GB रैम एंड 16GB इंटरनल मेमोरी और Realme C3 का बेस वेरियंट है 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल मेमोरी। Realme C3 में आपको Realme UI मिल जाएगा। अभी बात करूँगा बैटरी परफॉर्मेंस, जो बहुत ही मैटर करता है। Realme C2 में आपको 4000mAh का बैटरी परफॉर्मेंस मिलेगा, जहाँ पर आपको एक स्लो चार्जर मिलेगा 10W का, और Realme C3 में आपको 5000mAh का बैटरी परफॉर्मेंस मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको 10W का स्लो चार्जर मिलेगा। तो बैटरी परफॉर्मेंस आपको Realme C3 में ज़्यादा बेहतर मिलेगा। अभी बात करूँगा मेरे ओपिनियन के बारे में, आपको कौन सा फ़ोन बाई करना चाहिए और इसका प्राइस क्या है। दोस्तों अगर आपका बजट 6000 है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा Realme C2 2GB रैम एंड 32GB इंटरनल मेमोरी, जो आपको 6000 में मिल जाएगा। अगर आपका बजट 7000 है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा Realme C3 आपको दो वेरिएंट में मिलेगा, 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल मेमोरी, जो आपको 7000 में मिल जाएगा, और Realme C2 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल मेमोरी,
वो भी आपको 7000 में मिल जाएगा। ये दोनों फोन में कौन सा फोन आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि दोनों फोन का 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल का प्राइस सेम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रियलमी C3, क्योंकि रियलमी C3 में आपको प्रोसेसर आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा, आपको डिस्प्ले ज़्यादा बड़ा मिलेगा, आपको बैटरी परफॉर्मेंस और भी बेहतर मिलेगा रियलमी C2 से। तो ऑब्वियसली आपको रियलमी C3 बाय करना चाहिए अगर आपका बजट 7000 है, और अगर आपका बजट 6000 है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा रियलमी C2, क्योंकि उस प्राइस में आपको रियलमी C3 नहीं मिलेगा, इसलिए रियलमी C2 6000 के अंदर में बेहतर फ़ोन है। देखिए दोस्तों, दोनों फ़ोन ही बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, आप अपने प्राइस के हिसाब से दोनों फ़ोन में कोई फ़ोन परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और इसी तरह आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अच्छे से रहिए, सबको अच्छे से रखिए। जय हिंद।